हेलो फ्रेंड वेलकम टू बैक अन ऑदर वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए एक न्यू रिक्वायरमेंट जो वैकेंसी निकल के आई है जो वेकेंसी निकल के आई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से निकल के आई है जो हेड क्वार्टर टर्निंग कमांड एयरफोर्स बेंगलोर की तरफ से न्यू रिक्वायरमेंट जो 2023 की वैकेंसीज निकल के हैं कौन सी कैटेगरी कितनी वैकेंसी निकल के आई कितनी वेकेंसी निकल के हैं कहाँ से वैकेंसी निकल के हैं तो कंप्लीट आपको जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं इसमें जो टेंथ पास कैंडिडेट है ट्वेल्थ पास कैंडिडेट है उनके लिए जो सुनहरा मौका रहने वाला है वो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो ऑफलाइन वैकेंसीज रहने वाली हैं इसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट यानी कि ऑल इंडिया कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है बात कर लेते हैं दोस्तों आपको ऑफलाइन तरीके से इस फॉर्म को आवेदन करना है फुल अपडेट यानी कि नोटिफिकेशन हम आपको विथ प्रूफ दिखाने वाले हैं जो भी अपडेट देने वाले बिल्कुल रियल विथ प्रूफ के साथ देने वाले आपको पता है पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि ऑल इंडिया ग्रुप सी वैकेंसीज निकल के हैं परमानेंट वैकेंसीज निकल के हैं साठ साल की यानी कि वैकेंसीज निकल के हैं तो सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इसमें क्या होता है कि ऐसी वैकेंसी को बहुत से कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को यानी कि अप्लाई नहीं कर देते हैं देख लेते हैं कि यार इनमें क्या होता है इसमें नंबर नहीं आएगा वो नहीं होगा तो ऐसा कन्फ्यूज़न होने की कोई दिक्कत नहीं है यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई करें जो हेड क्वार्टर ट्रेनिंग कमांड एयरफोर्स बेंगलोर की तरफ से जो ग्रुप सीज वैकेंसीज निकली हैं उसके बारे में जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हम आपको दिखाने वाले किसी भाई को कोई भी जानकारी चाहिए चाहे बर्ते से रिलेटिव हो या फिर इसका नोटिफिकेशन चाहिए ऑफलाइन फॉर्म चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताना किसी भाई को कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना नीचे टेलीग्राम लिंक है आर जे अठारह अलार्मिल और उसे जरूर ज्वाइन करना साइड में बेल बेलाइकन उसे प्रेस जरूर कर देना फाइनली किसी भाई को कोई को भी जानकारी वगैरह चाहिए तो आप मुझे कॉल मैसेज कर लेना मैं उसके बारे में आपको जानकारी वो प्रोवाइड कर दूंगा और तो चलते हैं दोस्तों आज के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहने वाले हैं जो कहाँ से वैकेंसीज निकल के हैं किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है जो यानी कि बढ़ते निःशुल्क रहने वाली है कितने जो टिकट वगैरह लगाने कंप्लीट आपको जो आपको यानी कि जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं तो चलते हैं आज को ऑफिशियल अपडेट की ओर दोस्तों ये आज का ऑफिशियल अपडेट निकल के आया है, जो हेड क्वार्टर कमांड एयरफोर्स बेंगलोर की तरफ से यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों अच्छी तरह से जो अंतिम डे तिथि है जो लास्ट डेट है उन्नीस अगस्त इस फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली है जल्दी से जल्दी जो कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई करें यानी कि जो लास्ट डेट है उन्नीस अगस्त रहने वाले बहुत कम दिन बचे हैं तो आप सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अप्लाई करें जो भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स की जो वैकेंसी निकल के आई है यहाँ पे देख सकते हो रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ यहाँ पे जो पोस्ट निकल के आए असिस्टेंट व स्वीपर के यानी कि सफाई वालों के पदों पर जो भर्ती निकल के आई है इसमें जो टेंथ पास कैंडिडेट हैं यहाँ पे देख सकते हो टेंथ पास कैंडिडेट हैं जो दसवीं पास कैंडिडेट हैं बारहवीं पास कैंडिडेट वे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं केवल महिला कैंडिडेट के है वो इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं आपको ऑफलाइन तरीके से इस फॉर्म को आवेदन करना है निःशुल्क भरते रहने वाले किसी प्रकार का आपको कोई भी चार्ज वगैरह नहीं देना है यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों जो यानी कि पद देख सकते हो यहाँ पे आप अच्छी तरह से जो पार्ट टाइम स्वीपर का जो पार्ट टाइम स्वीपर है यानी कि रेगुलर सफाई वाला उसका जो एज लिमिट है अट्ठारह से लेके कर फोर्टीन ईयर तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं वेतन है वो नौ हज़ार से आपका स्टार्ट होने वाला है लास्ट यानी कि पेमेंट आपको जो मिलने वाला उनसठ हज़ार नौ सौ इस प्रकार से आपको टी ए डी मिला के यानी कि काफ़ी अच्छा खासा पेमेंट मिलने वाला है टेंथ पास कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दो नंबर पर देख सकते हो फुल टाइम असिस्टेंट यानी कि अट्ठारह से लेकिन फोर्टीन ईयर तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इसमें पे स्केल अच्छा खासा मिलने वाला स्टार्टिंग में अठारह यानी कि जो पेमेंट है हर महीने स्टार्ट होने वाला लास्ट पेमेंट यानी कि आपको तिरसठ हज़ार नौ सौ इसका पेमेंट मिलने वाला बारी फास्ट कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो आयु सीमा है जो अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी यहाँ पे जो उन्नीस अगस्त है उसके अनुसार यानी कि फॉर्म एज कैलकुलेटर करके यानी कि अठारह से लेकर फोर्टीन ईयर के बीच में जो एज क्राइटेरिया वो होना चाहिए आवेदन शुल्क देख सकते हैं यानी कि निःशुल्क रहने वाले जो आपको यानी कि जो फॉर्म को ऑफलाइन तरीके से फिलप करके जो एड्रेस पे भेजना है जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर एस स्टेशन जो मेडिकेयर जो सेंटर है एस एम सी ट्रेनिंग कमांड यूनिट एयरफोर्स हिब्वाल जे सी नगर पोस्ट बेंगलोर कर्नाटका में आपको इस फॉर्म को आपको भेजना है यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों जो आवेदन के साथ जो संलंघन किए गए वाले दस्तावेज हैं जो आवेदन के साथ भेजने हैं सभी शैक्षिक व्यवसाय जो सर्टिफिकेट हैं जो टेंथ पास कैंडिडेट ट्वेल्थ पास कैंडिडेट है ग्रेजुएसन है वो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की फोट जीरोक्स करवा के जो इसके साथ यानी कि सेल्फ अटेस्ट करके भेजना है जो कास्ट सर्टिफिकेट है डोमिशियल सर्टिफिकेट है एक्सप्रेंस सर्टिफिकेट है जो दो यानी कि अतिरिक्त पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो भेजनी है आधार कार्ड या पैन कार्ड की प्रतिलिपि पर जरूर भेजें पुलिस वेरिफिकेशन या मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको साथ भेजना है और जो यानी कि फॉर्म को कैपिटल लेटर में आपको अप्लाई करना है इस प्रकार से देख सकते हो दोस्तों इस फॉर्म को यानी कि आपको फिलिप करना है किसी भाई को इसका ऑफलाइन तरीके से यानी कि फिलप करना है या फिर कोई भी जानकारी चाहिए या फिर इसका ऑफलाइन फॉर्म चाहिए तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर एट जीरो फाइव ऐट वन ज़ीरो नाइन वन फाइव वन पर आप मुझे कॉन्टैक्ट या मैसेज कर सकते हो मैं आपको इसका ऑफलाइन फॉर्म प्रोवाइड कर सकता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो इसका ऑफलाइन फॉर्म है वो किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका रिटर्न होगा रिटर्न होने के बाद आपका जो स्किल टेस्ट है स्किल टेस्ट कनेक्ट करवाया जाएगा उसके बाद आपका जो स्किल टेस्ट के बाद आपके डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो फिर मेडिकल यानी कि मेडिकल फिटनेस किया जाएगा आपको मेडिकल किया जाएगा फिर आपको यानी कि मेडिकल होने के बाद फाइनल लिस्ट लगने वाले उसके बाद आपको जो ज्वाइनिंग है वो करवाई जाएगी जो यानी कि एग्ज़ाम पेपर का पैटर्न है जिसमें मैथ है रीजनिंग जनरल अवेन्स जीके मैथमेटिक्स यानी कि इस, इस प्रकार का आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है मात्र यानी कि दो घंटे का पेपर रहने वाला है एक बटे फोर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है डेढ़ सौ क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें जो जो सिलेबस है ये रहने वाला अप्लाई डेट इसकी दोस्तों अप्लाई डेट है वो शुरू हो चुकी है और जो लास्ट डेट है उन्नीस अगस्त इस फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली दोस्तों जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें फ्यूचर में यानी कि कोई भी भर्ती की जो पल पल का अपडेट पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें फ्यूचर में जब भी कोई अपडेट होगा तो सबसे पहले सबसे फास्ट आप अपडेट पा सकेंगे थैंक यू दोस्तों लव यू गाइज़ वंदे मातरम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप अपना वेट करते रहना और जिस भाई ने अभी तक ये इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है वो इस फॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अप्लाई करें थैंक यू दोस्तों लव यू गाइज वंदे मातरम जय हिंद जय भारत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद तब तक आप वेट करते रहना हम लेके आते हैं नेक्स्ट भर्ती से रिलेटिव आपके लिए तो थैंक यू दोस्तों लव यू गाइज़ वंदे मातरम जय हिंद जय भारत